Good morning, students. Today we learn data handling. Topic is data in pie chart. Okay, represented data using a pie chart. Okay, a pie chart is a circular chart representing the relationship between a whole and its parts. Okay, students. जो पाइप चार्ट होता है उसको हम क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं उसमें हम जो रिलेशन होता है होल का पूरे का और उसके पार्ट्स का ठीक है वो हम चार्ट में रिप्रेजेंट करते हैं ओके नाउ क्वेश्चन नंबर वन द टेबल ब्लू सो द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन क्लास फोर्थ ए हु ब्रॉड द स्कूल टी शर्ट ऑफ ईच कलर okay here some students are wearing the yellow t-shirt and some students um, wearing the green t-shirts and some blue t-shirts okay color of the t-shirts yellow green and blue number of children 15 yellow 15 green and 30 blue ओके नाउ एट द नंबर ऑफ टी शर्ट फिफ्टीन प्लस फिफ्टीन प्लस थर्टी सो द कंप्लीट सर्कल प्रेजेंट सिक्सटी टी शर्ट है ना तो हमको जो पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करना है वो हम सिक्सटी टी शर्ट्स को प्रेजेंट करेंगे ओके okay, अब एक चार्ट है मींस एक होल सर्कल्स है अब उसमें हमको सिक्सटी टी शर्ट्स रिप्रेजेंट करना है ठीक है तो अब हम इनको पहले फ्रैक्शंस में इसको डिवाइड करेंगे देन आफ्टर वी प्रजेंट ऑन द पाई चार्ट ओके फैशंस में हम इनको कन्वर्ट करेंगे तो वो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे टोटल जो टी शर्ट्स हैं वो सिक्सटी हैं ओके okay? मान तो लीजिए येल्लो जो टी शर्ट है उसको हमने किया फिफ्टीन अपॉन सिक्सटी ओके तो फिफ्टीन वन जिफ्टीन एंड फिफ्टीन फोर जा सिक्सटी तो जो येल्लो टी शर्ट है येल्लो कलर है उसको हम वन बाई फोर्थ सर्कल में रिप्रेजेंट करेंगे ओके नाउ सेकेंड वन इज़ द ग्रीन ओके इसमें जो होगा वो वन बाय फोर होगा जो सेकेंड वाला है जो ग्रीन है ग्रीन आल्सो रिप्रेजेंट द फिफ्टीन अपॉन सिक्सटी ओके ये भी आपका वन बाय फोर्थ में ही रिप्रेजेंट होगा वन बाय फोर्थ। ओके नाउ थर्ड वन ब्लू इज थर्टी अपॉन थर्टी अपॉन सिक्सटी ओके थर्टी अपॉन सिक्सटी जो होगा वो आपका होगा टू यानि हाफ में होगा टू मीन्स हाफ सर्किल तो जो आपका ब्लू कलर है वो बाय टू मींस हाफ सर्किल में रिप्रेजेंट करेंगे सो so, यहाँ पे जो पाई चार्ट होगा उसमें हाफ होगा ब्लू कलर ओके एंड येलो कलर और जो ग्रीन कलर है वो सेम रहेगा ठीक है सो नाउ ये, इट इज चार्ट ओके सो नाउ हियर वन बाय फोर्थ वन बाय फोर्थ ग्रीन कलर ओके वन बाय फोर्थ येल्लो कलर एंड वन बाय टू हाफ जो सिक्सटी था सिक्सटी में से हाफ कितना हुआ थर्टी हुआ ठीक है ये थर्टी हुआ तो थर्टी आपका कौन सा ब्लू कलर हो गया ओके okay? अब इसमें से जो आपका फिफ्टीन हुआ या ग्रीन हुआ और जो फिफ्टीन हुआ वह येलो हुआ इस प्रकार से हम डेटास को पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करते हैं ओके स्टूडेंट्स ओके नाउ कम डाउन द एक्सरसाइज थर्टीन पॉइंट थ्री इट इज द लास्ट एक्सरसाइज इन योर मैथ्स बुक्स ओके सो ना गोइंग ऑन एक्सरसाइज थर्टीन पॉइंट थ्री द फर्स्ट क्वेश्चन इज

Some students like orange and some students like pear. Okay. So already given there ki how many students are like apple, banana, orange, and pear. Okay. So number of students 10, those are like apple. Okay. And number of students 8, those are like banana. And number of students 14. Those are like orange. And number of students 8 students. Those are like pear. So now here. some pie charts are given which of the following pie charts show the above the data correctly which, which uh, pie charts are correctly aapko yahan pe ye find karna hai ki jo ye datas diye gaye hain in this data mein ये जो data दिए गए हैं उसमें कौन सा chart यहाँ पे सही है आपको ये identify करना है okay? सो so, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा इसको आपको या तो फ्रैक्शन में करना पड़ेगा या टोटल तो स्टूडेंट्स हैं टोटल चिल्ड्रन हैं वो कितने हैं फोर्टी है ओके फोर्टी में कोई भी हाफ ट्वेंटी ट्वेंटी नहीं है कोई भी ठीक है बट आ, जो वन फोर्थ है वो टेन एप्पल है वन फोर्थ जो है वो क्या है एप्पल है मीन्स जो फोर्टी है उसका वन फोर्थ पार्थ क्या हो जाएगा एप्पल हो जाएगा तो यहाँ पे ए में भी वन फोर्थ है बी में भी वन फोर्थ है और सी में भी वन फोर्थ है बनाना बनाना एंड जो पियर है वो वो थार्ड सेम एट चिल्ड्रट चिल्ड्रंस ओके सो जो वन फोर्थ है वो टेन है टेन है बट बनाना और जो पियर है वो वन फोर्थ से थोड़ा सा कम है ओके वन फोर्थ से क्या है वो कम है मतलब वन फोर्थ जो है वो उसके इक्वल नहीं है तो यहाँ पे जो है वन फोर्थ वो क्या है वो क्या है थोड़ा कुछ ज्यादा ही कम है क्यों क्योंकि यदि हम इसको मान लीजिए वन फोर्थ ये इतना हो जाता है तो ये जो पार्ट है ये ज्यादा कम हो जाएगा इसका आपको हाफ करना पड़ेगा ठीक है तो ये भी कम है और ये भी कम है मतलब ये भी रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग है तो आपका जो वन फोर्थ से थोड़ा सा कम है वो आपका ये वाला पार्ट हुआ वो कैसे ये ये मान लीजिए हमने यहाँ पर बनाया वन फोर्थ तो ये इतना भाग टू हो जाएगा ये इतना भाग एट हो जाएगा ये टेन हो जाएगा तो आपका ये वाला जो पार्ट है बनाना का और एक सेकेंड पार्ट ये वाला भी है ना ये भी आपका हो गया वन फोर्थ चलिए फिर से अगेन आपका ये वाला पार्ट वन फोर्थ हुआ ठीक है ये वाला पार्ट वन फोर्थ हुआ और ये वाला पार्ट भी वन फोर्थ हुआ है ना ये वाला पार्ट भी आपका वन फोर्थ हुआ ओके This this one and this one, and and yes. it तो, it it is 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 again one fourth and it is again again बट ये one fourth से कम है okay? तो इट इज राइट है ना ये भी एट है ये भी एट है तो ये बराबर है. है ना बूथ आर सेम बट लास्ट इज ऑरेंज जो ऑरेंज है वो वन फोर्थ से भी ज्यादा है. है ना जो वन फोर दिया गया है सर्कल का है ना वो उससे भी क्या हुआ उससे भी ज्यादा हुआ तो जो इसका टू पार्ट्स बचा है ये वाला और जो इसका टू पार्ट्स बचा है वो वाला यहाँ पे आपका हो जाएगा, टू ये हो जाएगा आपका फोर्टीन है ना तो जो आपका आंसर होगा वो आपका आपका राइट right आंसर होगा सी ओके इट इज राइट पाइप चार्ट ओके स्टूडेंट्स Okay, come down the question number two. Munisa has weed in three different colors. Okay. One by three of her beads are red, one by six of them are green, and the rest are the white. Okay. rest of the white. I mean which of one I already given the three pie chart. Okay. To so which one of pie chart is correct? फाइंड आउट ओके कौन सा आपका करेक्ट है ये आपको फाइंड करना है ओके फर्स्ट वन क्या अब यहाँ पे जो ऑलरेडी गिवन फ्रैक्शन दिए गए हैं क्या वो इक्वल है नो no. क्या यहाँ पे जो वन बाय थ्री है वन बाय थ्री इक्वल वन बाय सिक्स है नो no. है ना तो फर्स्ट वाला आपका ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि वन बाय थ्री इक्वल वन बाय सिक्स नहीं होता अंडरस्टूड ओके okay. अब मान लीजिए लास्ट वाले में आते हैं क्या यहाँ पे वन वाई सिक्स बड़ा है वन वाई थ्री से नो no. ये भी गलत है क्योंकि फ्रैक्शन में हमेशा जो नंबर छोटा होता है वही बड़ा होता है ठीक है तो ये वाला भी रंग है क्यों फर्स्टली क्या हुआ यहाँ पे मान लीजिए वन बाई थ्री है वन वाई थ्री प्लस वन वाई सिक्स इक्वल टू होता है यस yes. ये आपको एल इसको फाइंड करना पड़ेगा एल आप फाइंड करेंगे तब आपका यह निकलेगा मान लीजिए वन बाय थ्री ओके वन बाय थ्री प्लस वन बाय सिक्स इसका आपको एल निकालना पड़ेगा एटीन ओके okay? तो यहाँ ना आपका आ जाएगा सिक्स और यहाँ पे आपका आ नाइन अपॉइंट एटीन ये हो जाएगा आपका eight, और हो जाएगा आपका, आपका क्या हो जाएगा वन बाय टू जो आपका वाइट वाला हिस्सा है रेस्ट ऑफ द जो वाइट वो आपका हो जाएगा वन बाय टू मीन्स हाफ चार्ट का आपका पूरा कितना हिस्सा आ जाएगा ये वन बाय टू तो आपको इस प्रकार से सॉल्व करना पड़ेगा पहले तो बट यहाँ पे आपको सिर्फ चूज करना है तो उसके लिए हम एक्सप्लेन कर रहे हैं है ना तो यहाँ पे जो हाफ वाला पार्ट है वो कौन सा दिख रहा है या तो फर्स्ट वाला दिख रहा है या तो लास्ट वाला दिख रहा है दिख रहा है और ये वाला भी है वाई भी तीनों है हाँ है ना अभी भी क्लियर नहीं है कि विच वन करेक्ट ओके नाउ अब यहाँ पे चूंकि वन वाई थ्री है वन वाई सिक्स है तो जो वन वाई टू है वो सबसे बड़ा हुआ उससे छोटा हुआ वन बाय थ्री उससे छोटा हुआ वन बाय सिक्स अब आप गैस कर लीजिए कौन सा आपका करेक्ट है तो वन बाय टू जो हाफ है वो तीनों में है ये भी है ये भी है ये भी है उसके बाद वन बाय थ्री होना चाहिए तो इसमें वन बाय थ्री और वन बाय सिक्स इक्वल है है ना ये गलत होगा ओके अब यहां पे जो है वन बाय थ्री चूंकि यहाँ पे बड़ा हुआ है मतलब ग्रेटर है वन बाई सिक्स से तो यहाँ पे वन बाई थ्री को छोटा मान दिया है काम कम दिया है हाफ से भी कम है यानी ये भी गलत हुआ मतलब यानी जो वन बाई सिक्स से पार्ट वन बाय वाला थ्री वाला पार्ट जो बड़ा होगा वह राइट होगा मीन्स यहाँ पे आपका वन बाय सिक्स स्मॉल है और वन बाय थ्री आपका बड़ा है सो वन बाय टू दिस पार्ट वन बाय थ्री दिस पार्ट एंड वन बाई सिक्स दिस पार्ट सो वाई वन इज करेक्ट

We start the revision test, okay? Okay, in Google form.